वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर एनडीए के साथ फिर से जा सकते हैं। आपको हम बता दें, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में उनको कम सीटें दी गई, जिसके कारण उनको एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई है और उनका जो अस्तित्व है वो लगभग डगमगाता हुआ देखा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में अब वो एनडीए के साथ फिर से जा सकते हैं, क्योंकि जीतनराम मांझी ने जिस प्रकार से मात्र एक सीट पर जीत हासिल करके आज वो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, तो अगर वो भी अगर एनडीए के साथ होते तो शायद उनका भी जो दर्जा है वो एक मंत्री का होता। इसका अफसोस उन्हें खटक रहा होगा। आपको हम बता दें कि पिछले दिनों मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई थी, जिसके बाद नरेंद्र मोदी का लेटर आया था, उसके बाद अमित शाह ने उनसे बातें की और तमाम जो विपक्षी नेता हैं सभी लोगों ने मुकेश सहनी से बातें की और लगता है उस बात का नतीजा यह निकला है कि विधानसभा चुनाव जो है मुकेश सहनी अब, क्योंकि आपको बता दें जिस प्रकार से राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं कि जीतनराम मांझी जो है वह बीजेपी के साथ चले गए हैं तो बीजेपी के सीटों पर वो शेयरिंग करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। जदयू का जो सीट है काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है, उसके पास अभी भी एक मौका है कि किसी अन्य पार्टी को चुनाव अपनी सीटों पर लगा सके। तो हो सकता है मुकेश सहनी जो है वो नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि एनडीए के साथ वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और मुकेश सहनी नीतीश कुमार से हमेशा ही प्रभावित रहते हैं और मुकेश सहनी को नीतीश कुमार भी काफ़ी सराहना करते हैं। आपको बता दें, मुकेश सहनी जो है वो लगातार नीतीश कुमार के कामों की सराहना करते हैं और मुकेश सहनी की निंदा नीतीश कुमार कभी करते हुए नहीं देखे गए हैं। तो ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार और मुकेश सहनी मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, यानी कि मुकेश सहनी फिर से एक बार एनडीए के हिस्सा बन सकते हैं और एनडीए के हिस्सा बनने के बाद वो लोग विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। तो अब देखना होगा क्या तेजस्वी यादव का साथ जो है मुकेश सहनी छोड़ देंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में साथ मिलकर चुनाव तो लड़े थे लेकिन नतीजा जो है वो बिल्कुल शून्य आया। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com।